हेलो हाय दोस्तों, मैं आपका भाई रतन। दोस्तों आज रिंग लाइट बनाने वाले हैं, देख सकते हैं ये हमारा रिंग लाइट है। तो मैं इसको एक बार चालू करके आप लोग दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये देखिए चालू हो गया दोस्तों। इसमें क्लियरिटी कुछ खास आप देख सकते हैं, सामने कैमरा भी लगा हुआ है, बीच में कैमरा, और इसको हम लगाएंगे तो यहाँ एक स्विच दिया हूँ मैं जो स्टिक में रहता है। सिंपली स्विच, इसको चालू करेंगे तो वीडियो चालू हो जाएगा इसको लगाने के बाद। और सिंपल ये लग सकता है और इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये जो है ये आपका सेल्फी स्टिक का, यहाँ पर देख सकते हैं इधर उधर साइड आउट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं पीछे दिखा देता हूँ, एक बार पीछे देख लेंगे तो देख लीजिए पीछे ऐसा टाइप का है। तो एक बार सामने इसको ले जाता हूँ मैं, इसको वॉल्यूम है, इसको कम ज़्यादा करेंगे तो आपका कलर चेंज होगा। जैसे ये देखिए सामने है, तो इसको देखिए आला को कम कर रहा हूँ तो ये जल गया पूरा, ये बुझ गया। फिर इसको एडजस्ट करना है तो ये चालू हो गया, फिर इसको कम करना है तो ये भी कम हो गया। तो अपने हिसाब से व्हाइट और गोल्डन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ अच्छा ही लग रहा है, देख लीजिए अपने हिसाब से एडजस्ट। और वोल्टेज के फोकस की बात है तो आप एडाप्टर जैसे जितना ज़्यादा एम्पियर का लगाएंगे उतने हिसाब से ये आपका वोल्टेज करेगा। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ आएगा, नहीं तो बोलेंगे कहाँ से क्या लगा दिया। तो पूरा वीडियो देखिए, एक एक ठो पूरा प्लाई का बना ही है, और ये पूरे ये प्लाई है, और ये आपका ऊपर वाला सनमाइका है, सनमाइका और कुछ भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से, पुट्ठा भी। तो पूरा वीडियो देखिए तो पूरा समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या सामान लगेगा हमारे इसके लिए। दो दो लाइट लगेगा दोस्तों, देखिए 5-5 मीटर का ही, एक तो व्हाइट कलर का है और एक गोल्डन कलर का है दोस्तों। एक 100 से 150 रुपये के बीच मिलेगा एक एक 5 मीटर का ये वाला। ओके यही वाला ले लेना आप लोग, देख सकते हैं ये वाला, ये हो गया। इसके बाद आप ग्लू गन रख लेना, ग्लू गन हो तो ठीक है, नहीं तो सोल्डिंग आयरन सब यूज़ कर लेंगे। ग्लू स्टिक हो गया, कॉपर वायर, और आपका ये स्टैंड, ये स्टैंड नहीं है तो कोई दूसरा मोबाइल पकड़ने के लिए कोई से स्टैंड रहे आप, या कवर का भी यूज़ कर सकते हैं मोबाइल कवर का, तो आपके ऊपर है तो ज़्यादा सुविधा ये रहेगा मोबाइल स्टैंड, क्योंकि कोई सा भी मोबाइल एडजस्ट हो जाएगा, नहीं तो कवर में एक ही मोबाइल एडजस्ट होता है। ये हो गया, एडाप्टर हो गया दोस्तों। ये आपका 50 से 100 रुपये के बीच मिलेगा 1 एम्पेयर का, लेकिन आप 2 एम्पेयर का यूज़ करना, मैं 2 ठो यूज़ करूँगा इस सिम, तो 2 एम्पेयर होगा अलग अलग इसके लिए, तो आप एक साथ ही 2 एम्पेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो और इसमें और कुछ नहीं है, और मैं प्लाई ले रही हूँ तो प्लाई चलते हैं काटने के लिए। उस हिसाब से आप अपने हिसाब से रिंग लाइट बना लेना, कितना बड़ा छोटा बड़ा अपने हिसाब से रिंग ले लेना। और एक चीज़ और था मैं भूल के लेना, वो अंदर सेट होगा, ये पेपर ले लेना, सिल्वर पेपर, हॉट पेपर, या आपको कोई सा भी बोलते हैं पार्टी में जो हॉट पेपर यूज़ होता है ना चिमकली पन्ने, उसको यूज़ करना है। ठीक है, इतना ही सामान है, चलिए अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। अपने हिसाब से दोस्तों देख लिए प्लाई का साइज बना लेंगे। मैं राउंड देखिए बना रहे हैं, अपने साइज का बना रहा हूँ, तो आपको जितना साइज का बनाना बना लेना, जितना आपको हिसाब लगे रिंग लाइट का बनाने का। तो मैं एक सैंपल देख लीजिए ऐसा टाइप का बना रहा हूँ, तो इतना मैं बना सकते हैं, ऐसा टाइप का बना लेते हैं। आप मत काटना इसको, जाके प्लाई दुकान से ही कटवा लेना, क्योंकि आपसे उतना फिनिशिंग नहीं होगा। पुट्ठा का बनाएंगे तो बना सकते हैं, लेकिन प्लाई का बना रहा हूँ हार्ट के लिए। देख लीजिए दोस्तों, बीच में भी अपने को होल करना है, इसलिए बीच में भी सेम साइज का 2 या 3 इंच को छोड़ के बीच में गोलाई कर लेना, उसको भी काट के आपको अलग करना है। तो देख सकते हैं मैं कैसे टाइप का कर रहा हूँ, वैसे टाइप का आपको भी बता देना है, बताएंगे तो जो मिस्त्री वो काट देगा इजीली। देख सकते हो दोस्तों पूरा सेप बन चुका है अपना ये। अब किनारे वाले को हम लोग को काटना है, किनारे के लिए 3 इंच से 2 इंच के साइज ले लेना है, जो आप सनमाइका या पुट्ठा दोनों कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये दोस्तों इसको गोलाई कर लिया हूँ पूरा, और मैं इसको बना लिया था, ये देखिए 2 इंची का है, ये 2 इंची का लिया हूँ, 2 से 2.5 इंची का है, ये आपका ऐसा रहेगा। तो यहाँ भी दोनों, और अपने हिसाब से इसको बना लिया, जितना आपको एडजस्टेबल लगे उतना हिसाब से अपना देख के बना लेना जो लगे। और इसको मैं छेद कर लिया था, इसको यहाँ पर ये लगेगा, यहाँ पर आपको टाई से भी बांध सकते हैं या कॉपर वायर से बांध सकते हैं आपके हिसाब से जो भी, लेकिन मैं टाई से बांध दूँगा, उसके बाद इसको मैं ग्लू मार दूंगा तो ये आपका फिक्स हो जाएगा। और इसको मैं निकाल दिया था, इसको निकालना कैसे, आप जोर से खींचेंगे तो ये निकल जाता, तो निकल गया। तो 2 ही कड़ी रखा हूँ मैं, जो इतना में काम हो जाएगा आपका ये। और आप ऐसा सीधा मत रखना, ऐसा है तो मोबाइल सीधा रखना है आपको टिकटॉक के लिए, तो ऐसे पकड़ाएगा। ओके, तो मोबाइल मैं एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को, तो ऐसे रहेगा मोबाइल, ये देखिए ये ऐसे रहेगा मोबाइल, तो ये यहाँ रहेगा, यहाँ पर तो सीधा रहेगा, और यहाँ पर हम लोग बेस बनाएंगे तो ऐसे मत कर देना, तो मोबाइल टेढ़ा हो जाएगा। तो इसको थोड़ी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये रहेगा और यहाँ पर सबका मेन रहेगा। ओके, तो ये सब टोटल चीज़ रहेगा, एडजस्ट वडजस्ट सब होगा, टेंशन मत लीजिए। ये हो गया इतना, यहाँ पर कुछ मान लेंगे। चलिए इसको मैं अब इसको चिपका लेता हूँ अच्छा से, इसको मैं चिपका लेता हूँ आगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले वाला को लगा लिया था मैं, कुछ भी नहीं किया हूँ, बस इसको लगाया हूँ ग्लू के साथ, दिखाता तो बहुत इसमें बहुत टाइम तो लग ही रहा है, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको, किसी में पूरा लगा लेना है। आप ऐसा नहीं कि जो मैं सनमाइका लियो मोटा लियो, अच्छा जो आपको भी सनमाइका ही लेना है, आपको कोई से भी चीज़ जो मोटता हो उसको ले सकते हैं। ओके,
कोई भी चीज़ रहे मुड़ने वाला, जैसे कैसे भी मुड़े रहे वो खाली इस टाइप का खड़ा होना चाहिए, वैसा टाइप का आप ले सकते हो। और बीच में नहीं काटेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बीच में नहीं काटेंगे तो बीच में आप अपना मोबाइल का कवर को चिपका के कर सकते हैं, लेकिन काटेंगे तो अच्छा दिखेगा। तो आपके ऊपर है जैसे आप बनाना चाहें। जैसे ऊपर का भी लगा लेता हूँ मैं, पीछे का पूरा ग्लू से चिपका दिया हूँ ना, जो ग्लू है अच्छे से इसको चिपकाना, अच्छे से मैं नहीं चिपकाया हूँ लेकिन अच्छे से चिपका लेना ग्लू, या आप कुछ दूसरा चीज़ इसको गोल से बनाएंगे ना, जो चीज़ भी चिपक जाए उसके हिसाब से आप, या आप पुट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं, जो पुट्ठा नहीं रहता अपना नॉर्मल वाला पुट्ठा, उससे ज़्यादा अच्छा बनेगा, तो उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी ज़्यादा अच्छा लगे उसको आप लगा सकते हैं। ये हो गया, तो अब इसके ऊपर अब इसको लगा लेते हैं हम लोग अपना सेल्फी स्टिक को, तब ये मोबाइल लटकेगा, उसके बाद हम लोग कुछ और करेंगे। चलिए इसको मैं सेल्फी स्टिक को लगा लेता हूँ, और लगा लिया हूँ, देख लीजिए सेल्फी स्टिक को यहाँ पर लगा लिया हूँ। इसके वायर को आप कहीं भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि जहाँ मैं लगाऊँ अपने हिसाब से। देखिए बीच में सेल्फी स्टिक ये ऐसे लगाएंगे ना, मैं शुरू से बताया था ऐसे लगेगा, और ये आपका एक हैबी जो आप स्टैंड में खड़ा हो जाए, स्टैंड में खड़ा होने के लिए एक नीचे आप कुछ भी टाइट कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे ही देखिए स्टैंड का ही रहता है आपका कैमरा वाला का, तो ये यहाँ टाइट हो जाएगा, खुलेगा टाइट होगा, इसी हिसाब से इसको बना देंगे। तो ये आपका देखिए टाइट हो गया, तो ये टाइट हो गया, तो ये आपका कैमरा में लग, सॉरी स्टैंड में लग जाता है, और ये यहाँ पास ये लग जाएगा यहाँ, तो इसको भी हम लोग टाइट कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं, सिंपल सिंपल चीज़ ही है, उतना ज़्यादा कुछ रहता तो अलग बात रहता। और इसको टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद एक चीज़ और बना लिया था इसको, ये देखिए यहाँ पास आपका वॉल्यूम रहेगा, जो दो कलर लाइट का रहेगा ना, दोनों को एडजस्ट करेगा, आप अपने हिसाब से वाइट को ज़्यादा रखना है या गोल्डन को, जो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से 12 वोल्ट का अडाप्टर या कुछ भी 2 एम्पियर का डाल सकते हैं। ओके, तो मैं इसके लिए टोटल चीज़ बनाते जा रहा हूँ अभी, देखते जाइए इसको कितना हो गया, इसको मैं आगे टाइट कर लेता हूँ। ये दोस्तों इसको मैं बेस को लगा लिया था, इसका देखिए नट टाइट किया हूँ, अच्छा से कर लिया हूँ मैं नट, दो ही नट से कर लिया हूँ, जो नट अच्छा से टाइट होगा। इसके बाद इतना इस सब चीज़ लगाने के बाद अब ये काम करना है दोस्तों। देखिए ये आपको हॉट पेपर बोले, कुछ पेपर बोले, या चिमकली पन्नी, पार्टी में ये ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये देखिए ये, तो इसको हम लोग को पूरा में लगाना है। सब चीज़ होने के बाद इस पेपर को लगाना है, इस पेपर को लगाने के बाद आपको लाइट लगाना है, इससे पहले नहीं लगाएंगे लाइट, इतना होने के बाद इसको लगाते हैं। ओके, तो मैं इसको लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो मैं पूरा लगा लिया था, तो देखिए ये बीच में और ये किनारे में इस साइड का सिल्वर पन्नी होना चाहिए, क्योंकि फोकस इधर उधर भागेगा, और ये रहेगा लगा रहेगा तो सीधा फोकस फेंकेगा, तो ये ध्यान रखें क्या यहाँ लगना चाहिए। और मैं लाइट को लगा लिया, देखिए अच्छे से तो चिपकने वाला है नहीं है इसमें आपका जो भी आपका प्लाई में, तो ऐसे चिपका लेना, बीच बीच चिपका लेना, और बीच बीच में फेविक्विक से चिपका लेना, जिससे अच्छे से चिपक जाए। और ज़्यादा इसको ऐसे ऐसे करेंगे ना, ज़्यादा दबाएंगे तो टूट गया, देखिए बीच बीच में टूटा, मैं जम्पर मारा हुआ हूँ देखिए बीच बीच में, तो टूटा रहेगा ना, तो प्लस या माइनस ही एक टूटा रहेगा, जैसे मैं आप लोगों को पास से दिखा रहा हूँ, देखिए प्लस माइनस टूटा है, तो एक कार रख रख के टच करके देखना जल रही नहीं, जलेगा तो वहीं से जम्पर मार लेना। और इसमें कुछ नहीं है, सिंपल आप कोई से भी लाइट यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, जैसे देखिए ये वाला एलईडी भी आता है, इसको भी लगा सकते हैं आप लोग, एक 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 करके जो आपको ज़्यादा सुविधा बने वाला एलईडी लगा लेना। और 12 वोल्ट का भी आता है, वो भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, जो आप चाहें लगाना चाहें लगा ले। और यहाँ से भी टूट गया था, दिखा देना चाहता हूँ मैं, देखिए यहाँ से, तो इसको ध्यान से रखना, अच्छे से लगाना और अच्छा से जोड़ लेना, जो टूटे मत। तो ये हो गया अपना पूरा, और बहुत ही ईजिली है दोस्तों इसको बनाना, उतना हार्ड नहीं है। अब मैं इसको पीछे कर लेता हूँ, ये पीछे हो गया, और दोस्तों इसके बताता हूँ मैं आप लोग, देखो इतना फिनिशिंग नहीं किया हूँ, आप लोग थोड़ा फिनिशिंग कर लेना, तो ये चीज़ बता रहा हूँ। इसमें आप लोग एडजस्ट वाला बनाना चाहते हो या बिन एडजस्ट वाला, तो एडजस्ट वाला बनाना चाहे तो आपको ये सर्किट बनाना पड़ेगा, जो मैं ये सर्किट बना लिया हूँ देख लीजिए। और ये सर्किट मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ आपके अपने चैनल में, नोटिफिकेशन में लिंक दे दूंगा, इसको देख लेना कैसे, इसको एडजस्ट बोलते हैं, 3 वोल्ट से 12 वोल्ट, वो भी एडजस्टर बोलते हैं, एडजस्टर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा एडजस्टर किसे बोलते हैं। और एडजस्ट नहीं करना है आप लोगों को, तो डायरेक्ट क्या करना है आप लोग, डायरेक्ट ये जो हम लोग ये जेक लगाए हैं, तो ये जेक में इसको इसका माइनस माइनस और इसका प्लस प्लस, लाइट का देखिए प्लस प्लस और माइनस, ये माइनस है, रेड रेड प्लस है, तो डायरेक्ट बीच वाला को प्लस बन, बीच वाला को प्लस बना देना इसको, तो डायरेक्ट सब जलेगा। तो और एडजस्ट करना, जैसे हम लोग को वाइट को ज़्यादा करना है, गोल्डन को कम, तो इसमें हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टर बोलते हैं इसको, एडजस्टर बना सकते हैं आप, तो मैं बना लिया था वैसे, तो वैसे बना के नहीं दिखाने वाला, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं इसको इसको आराम से जोड़ लेता हूँ। ये देखिए जुड़ने के बाद ये प्लस 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 और इसका माइनस जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। ये देखिए मैं फ़िलहाल इसको पूरा टेप मार चुका हूँ और कुछ नहीं किया हूँ, ये है ये बैठा है, तो आप लोग थोड़ी सावधानी से करना। और इसको मैं पूरा एडजस्ट करके छेदा बनाया था, तो ये इधर रह गया और ये इधर रह गया, इसको थोड़ा सिल्वर पन्नी को हटा देते हैं, इसको अंदर डाल देते हैं,
ये आपका, और यहाँ देखिए मैं छेद बना लिया था ये और ये, जो नट यहाँ से बैठ जाइए और ये, तो ये नट यहाँ पास बैठ जाएगा, जो नट अपना रखे हैं यहाँ पास जो ये नट है, तो अच्छा से ड्रिल मशीन से कर लेना छेद, जिससे नट आपका इजीली लग जाए, ज़्यादा टेंशन ना दे, टेंशन देगा तो ज़्यादा टेंशन लेंगे तो। और इसको जो है बेस, जो बेस बनाया है देखिए, इसको थोड़ा हार्ड बनाए जो आपका कुछ भी लग जाए इसमें, और ज़्यादा नरम बनाएंगे तो फिर उसके बाद दिक्कत जाएगा आप ही लोगों को। तो इसको मैं पूरा लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं चला के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसको पूरा लगा लिया था, ये आपका कम ज़्यादा जो भी कलर चाहे कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पास 12 वोल्ट इनपुट है, और इसको एक चीज़ और है, इसको चलाना चाहे बैटरी से चला सकते हैं। देखिए वाला जो बैटरी बनाया था हम, 3 बैटरी से 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट से भी आप इसको चला सकते हैं डायरेक्टली, लाइट आपका जल जाएगा, आपको दिख रहा होगा नीचे, देखिए यहाँ देखना कुछ जलेगा, ये देखिए यहाँ जल रहा है, ये देखिए यहाँ कुछ जल गए, तो 12 वोल्ट की बैटरी से आप इसको चला सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए ये इसको पहचान रहे होंगे आप लोग, ये आपका स्टैंड का हुक हो गया जो भी बोले, इसको लेना है और यहाँ लगा लेना है आप लोगों को, जैसे मैं पहले छेदा करके दिखाया था आपको, जैसा चाहे वैसे इसको लगा सकते हैं अपना हिसाब से, ऐसा नहीं जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है, तो इसको लगा टाइट कर लेना है। देखिए मैं टाइट कर ले रहा हूँ, तो अच्छा से टाइट कर लेना, और बेस को इसीलिए मैं इसको अच्छा बनाने बोल रहा हूँ क्योंकि यही मेन चीज़ है आपका, लटका रहेगा इसमें, ये देखिए ये लटक गया, ये देखिए अच्छा से खड़ा हो रहा है, ये हो गया, तो ये बेस में लग गया। चलो इसको मैं लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको आगे चलते हैं। बेटा तो मैं इसको एक बार चालू करके आप लोग दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये देखिए चालू हो गया दोस्तों, इसमें क्लियरिटी कुछ खास आप देख सकते हैं, सामने कैमरा भी लगा हुआ है, बीच में कैमरा, और इसको हम लगाएंगे तो यहाँ एक स्विच दिया हूँ मैं जो स्टिक में रहता है, सिंपली स्विच, इसको चालू करेंगे तो वीडियो चालू हो जाएगा इसको लगाने के बाद, और सिंपल ये लग सकता है, और इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ये जो है ये आपका सेल्फी स्टिक का, यहाँ पर देख सकते हैं इधर उधर साइड आउट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं पीछे दिखा देता हूँ, एक बार पीछे देख लेंगे तो देख लीजिए पीछे ऐसा टाइप का है, तो एक बार सामने इसको ले जाता हूँ मैं, इसको वॉल्यूम है, इसको कम ज़्यादा करेंगे तो आपका कलर चेंज होगा, जैसे ये देखिए सामने है, तो इसको देखिए आला को कम कर रहा हूँ, तो ये जल गया पूरा, ये बुझ गया, फिर इसको एडजस्ट करना है तो ये चालू हो गया, फिर इसको कम करना है तो ये भी कम हो गया, तो अपने हिसाब से व्हाइट और गोल्डन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये कुछ अच्छा ही लग रहा है, देख लीजिए अपने हिसाब से एडजस्ट, और वोल्टेज के फोकस की बात है तो आप एडाप्टर जैसे जितना ज़्यादा एम्पियर का लगाएंगे उतने हिसाब से ये आपका वोल्टेज करेगा। तो उसमें कुछ बनाने में कुछ भी कन्फ्यूज़न हुआ होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स हमारा जिंदा है, कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम का आईडी दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मेरे को डायरेक्टली कमेंट करके बता सकते हैं या फोटो भेज सकते हैं कि इसमें आप मेरे को दिक्कत हो रहा है, तो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, नहीं तो डिसलाइक लेके कुछ करके जरूर जाना वीडियो में, और इतनी कीमती टाइम दे के वीडियो देखने दिलचस्प हो गया दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं, आपके दिन बहुत बहुत शुभ रहे।